आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप लोग पूछ रहे थे बॉयज हॉस्टल में क्या क्या मिलता है, धक्के, खुआरी, जलालत, नहीं सॉरी, इसके मुझे अलावा बताना है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो चलो देखते हैं बॉयज हॉस्टल में क्या मिलता है। सबसे जो पहले फ्लोर पे जो चीज आपको मिलेगी ना, वो आप लोग को मस्जिद मिलेगी, ठीक है। मस्जिद में वैसे आवाम क्या होता है कि सुबह सुबह मस्जिद में भी सोई हुई नजर आपको मिलती है, देखते हैं भाई सोई हुई वहां मस्जिद में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? उसके अलावा आपको फिल्टर वाला मिलेगा, इसके साथ फिल्टर लगा हुआ पीछे वाली साइड पे, और पानी ठंडा ठंडा मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर देखें प्ले रूम के अंदर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। यार कोई शर्म करो, प्ले रूम के अंदर यार ये खेलने खुलने वाला है, यहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो हैरान हो गई यार, चल गोली मार इनको, समझ रहे हो। उसके अलावा जो आपको चीज मिलेगी वो है स्टडी हॉल, दिखाता हूँ। एसी लगा है साथ, जब दिल करे तो बंदा पढ़ पढ़ भी सकता है। और मैं आप लोग को बता रहा था कि जो एसी है ना, ये चलता है रात सुबह 12 बजे के बाद और बंद हो जाता है 12 रात 10 बजे तक। तो उसके दरमियान जिसने कोई पढ़ना पढ़ना है तो पढ़ ले, उसके अलावा एसी नहीं चलेगा भाई, छुट्टी करो। जैसे ही आप लोग बाहर जाने के लिए तकल्लुफ कर रहे होते हो, आप लोगों को एक बहुत नीट एंड क्लीन साफ क्रिस्टल क्लियर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, इस तरह का जो शीशा मिलता है जिसको साफ करते वक्त भी, वैसे आज साफ लग रहा है यार, वाह यार ये तो मैंने कहा, मैं तो उसको कहने लगा था इन्होंने साफ ही नहीं किया ना, देखो आज साफ कर दिया, आज मौजूदा हो गया है। तो इसके अलावा बताता हूँ क्या मिलेगा आप लोगों को। एज हॉस्टल नंबर 1 के अंदर तो आप लोगों को ये मिलेगा, अरे कहना क्या चाहते हो, एक खेलने बैडमिंटन खेलने के लिए अलग से ग्राउंड। तो खेलना हो तो आ जाना 1 हॉस्टल के अंदर, इस तरह का आप लोग को मिलेगा बैडमिंटन प्ले ग्राउंड। उसके अलावा आप लोग को मिलेगा बॉयज मेस हॉल, ठीक है, जिसके अंदर खाने के अलावा आप लोग को सब चीजें मिलेगी, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा। लेकिन खाने वाला सीन अभी नहीं है, अभी बजट थोड़ा डाउन जा रहा है तो इसलिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो समझ जाओ। आप लोग को अपने रूम के सामने ना इस तरह के ग्रीन पैचेस मिलेंगे जिधर बहुत सारे पौधे शौधे लगे होंगे। अगर आप लोग भूखे हो, दिल कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो आप लोग पत्ते शत्ते खा सकते हो, कोई मसला नहीं है, मुफ्ती होंगे। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। उसके अलावा एक टीवी और होता है जिसके अंदर एक एलसीडी लगी हुई थी, ये बंद है, पता नहीं कितनी मुद्दत से बंद है, एक मुद्दत से इसे खोला ही नहीं हुआ, ये हमें फजूल पड़ा रहता है, गजब बेइज्जती है। इसको टीवी हॉल कहते हैं जहाँ पे मैच है जो होना आता है, पूरी रौनक मेले के साथ देखती है वहाँ। तो इसके अलावा मैं बताने लगा था आपको क्या मिलेगा, हॉस्टल नंबर 1 के आगे एसटीसी का एक स्मॉल सा मजे का रिव्यू मिलेगा जो कि दूसरे हॉस्टल में नहीं मिलता। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे इंसान मिलेंगे कोई मेरी तरह के, और उसके अलावा आप लोग भूखे हो खाना पीना है तो एक हॉस्टल के अंदर कैंटीन मिलेगी इस तरह की। पैसा ही पैसा होगा। मैं भाई नजर आ रही है ना, बस इतना कुछ जाना है अंदर, मैंने को नहीं जाना जाना, हाँ तो आराम सुकून से मैं जा रहा हूँ। अच्छा तो उसके अलावा पता क्या सीन है, आप लोग का भाई अपनी रेंज रोवर निकालने जा रहा है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल वैसे लेट हो रहा है, बाकी जो है चीजें कुछ रिमेनिंग रहती है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। खत्म, मिल गए ये रेंज रोवर अपनी, ये रही इसको गाड़ी के ऐसे। तो वेल मैं डिपार्टमेंट से जल्दी वापस आ गया, एक टेस्ट गंदा हो गया, उसके बाद क्लास लेने का दिल ही नहीं किया, तो फिर मैंने कहा गोली मारो। क्या बोला तूने, कोई कपड़े शपड़े धोने और सोच रहे होगे कि कोई वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आपको धोबी मिलेंगे, धोबी आपके पर सूट 80 रुपीज चार्ज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। उसके अलावा अगर आप लोग के कपड़े वगैरह सिलवाने हैं तो उसके लिए आपको दर्जी भी मिलेंगे हॉस्टल के अंदर, ठीक है भाई, मजा आया। अस्सलामुअलैकुम। तो इसके अलावा आप लोग को रूम देखना है तो रूम किस तरह का मिलेगा, इसके अंदर रूम की भी दो कैटेगरी हैं, ठीक है, एक होता है क्यूब और एक होता है डॉर्मेंट्री। डॉर्मेंट्री के अंदर 5 बच्चे होते हैं और क्यूब के अंदर 2 हैं, जिस तरह मेरा रूम क्यूब है तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही लड़के होते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आप लोग को धोने होते हैं कपड़े, मतलब सोच रहे हो तो मैंने कैसे धुलवाने हैं, 80 रुपीज़ पर हेड सूट्स पर महंगा पड़ रहा है, तो फिर लड़के इस तरह करते हैं कि यहाँ पे खुद बाल्टी वगैरह के अंदर सर्फ डाल खुद धो लेते हैं। वेल बता दूं लड़कों के रूम इतने ज्यादा सजे सुजे नहीं होते, मतलब इधर अभी मैंने रूम चेंज किया ना तो उस पर काम मेरे वाले पे काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको मॉडिफाई करने के अंदर, तो जब वो हो जाएगा लेकिन करंटली दिखा भी दूंगा किस तरह का नजर आता है, ओके। और उसके बाद एक डॉर्मेंट्री ट्राई करेंगे, कोई ढूंढते हैं रूम जिसमें डॉर्मेंट्री बच्चे, मतलब 5 वाला,
तो देख के देखते हैं। ये चाबी खुल जा सिम सिम, लाइट शेड चला दे और ये मैं आ गया। यार ये है दो बंदों वाला रूम, यानी ये वैसे मेरा रूम है, मैंने रूम चेंज किया था, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। तो भाई ये वैसे दो बंदों के स्लॉट्स इधर है, वैसे आपका कोई मेहमान है तो बिछा बिछू के और कर सकते हो, और उसके अलावा ये चीज़ें मिलती हैं, उसके अलावा हैंगर वगैरह, अलमारी वगैरह, इतना कुछ मिलता है, ज़्यादा कोई नहीं चीज़ें मिलती। तो बस यही था क्यूब जिसके अंदर सिर्फ दो रहते हैं, ठीक है, एक चाबी मेरे पास एक उसके पास। देख के लगता तो नहीं इंसानों वाला, लेकिन भाई इंसानों वाला क्योंकि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह मर्जी करो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यार ना देखो ये है डॉर्मेंट्री रूम, डॉर्मेंट्री रूम इसके अंदर पांच स्लॉट्स होती है, एक दो तीन चार पांच, तो इस तरह का यार एक रूम मिलेगा आपको अगर पांच वाला चाहते हो तो। वेल यार मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगा पांच वाले में जाओ, इसकी जगह इसको डॉर्मेंट्री कहते हैं, वैसे क्यूब में जाओ जिस तरह मेरे पास है दो बंदों वाले, एक मैं और एक साथ वो। तो इस तरह एक तो ये होता है कि चीज़ें नहीं अंदर एक दूसरे की मिक्स होती, उसको पता होता है कि आपकी चीज़ें पड़ी हैं तो आपको पता है उसकी चीज़ें पड़ी, तो आप लोग एक दूसरे की चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करते हो। तो वेल यार ये था हॉस्टल नंबर वन का ऑनेस्ट व्यू, वैसे वॉशरूम भी हैं, मैं उधर तो नहीं जा रहा कैमरा। वेल यार मैं तो घर जा रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और अभी मैं घर जा रहा हूँ, बाय बाय।